हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी में। आज का सेशन होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के चौथे प्रैक्टिस सेट का, जो कि जीएस के चौथा प्रैक्टिस सेट है। तीन प्रैक्टिस सेट पहले ही हो चुके हैं जो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। आज चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो आइए देखते हैं। चौथे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? आंसर, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आंसर है, प्राचीन हिंदू विध का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृत मनुस्मृति हिंदू विध का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनु। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 399 ईस्वी में भारत आया था। 399, आंसर इसका सी सही होगा, विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? इसका आंसर होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ऑप्शन बी सही होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने इनको अपनी राजनीतिक गुरु माना था। तो आंसर सी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसका गायन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। आंसर सी सही होगा, 1950। अगला क्वेश्चन है, तालिका 1 का मिलान तालिका 2 के साथ करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तालिका ये है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। मूलभूत अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। राज्य के संघ के बीच में समवर्ती सूची ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, ये लिया गया है कनाडा से। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर ये सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने हेतु राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? अक्टूबर 2021 में
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने हेतु मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की। आंसर डी सही होगा, मनोहर लाल खट्टर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन बी सही होगा। यह वर्ष 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत 1 जुलाई 1862 को स्थापित हुआ था। 1862 में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था। अनुच्छेद 326 61वें संविधान संशोधन। आंसर सी सही होगा। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठवां पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है, आठवां मिजोरम है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, टेहरी परियोजना भागीरथी पर है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? भारत के पूर्व उत्तर राज्य मेघालय में खासी एवं गारो पर जनजाति पाई जाती है मेघालय में। आंसर बी सही होगा, मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस रेखा से पृथ्वी का दिनांक निर्धारित किया जाता है। आंसर सी सही होगा, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आंसर ये सही होगा, प्रशांत महासागर। 15 अक्टूबर 2021 को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष में विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। आंसर डी सही होगा। नवंबर 2021 में संपन्न ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? 4 नवंबर 2021 को संपन्न ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जीता था। ऑस्ट्रेलिया भी सही होगा। भारत में कृषि आय कर लगाया जाता है? भारत में कृषि आयकर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में अंतर्गत आता है, राज्य सरकार। आंसर ये सही होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आंसर डी सही होगा। स्थापना इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है। इसका विलय इंडियन बैंक में किया गया है। आंसर डी सही होगा, इंडियन बैंक। अगला क्वेश्चन है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले समता प्रसाद का संबंध वाद्य यंत्र तबला से था। ये गुदई महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं। आंसर इसका ये सही है। ये था आज का प्रतिशत। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।